हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है, विच इज़ टास्क विद रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो ये जो अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस है उसको रेगुलेट करता है और लाइसेंस प्रोवाइड करता है। This authority was constituted by the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, which is an act of parliament passed by the government of India. 1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए, फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सब जगह रिफॉर्म्स किए शुरू हो गए। इसके अलावा इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो कि फाइनेंशियल मार्केट का ही एक पार्ट है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए। इसके लिए 1993 में आर.एन. मल्होत्रा, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी का काम था टू एवेलुएट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड रिकमेंड इट्स फ्यूचर डायरेक्शंस। सो इस कमेटी ने 1994 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, जैसे कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इंडिया में जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 बिलियन है, उनको भी इंश्योरेंस सेक्टर में, उनकी एंट्री को भी इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ किया जाए। इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज़ है, दे शुड ऑल्सो बी अलाउ टू एंटर इन द इंडियन मार्केट, बट इन कोलेब्रेशन विद द डोमेस्टिक कंपनीज़। इसके अलावा इसी कमेटी ने इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के लिए रिकमेंड किया। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट बॉडी जो था, अथॉरिटी थी, उसको क्रिएट किया गया। सो ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो अथॉरिटी है, ये लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, ये दोनों को के बिजनेस को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इरडाई के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में। सो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इज ए 10 मेंबर बॉडी। 10 मेंबर्स की ये एक अथॉरिटी है, जिसमें देयर इज़ अ 1 चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। जो चेयरमैन है वो मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए, या फिर जिसकी एज 60 इयर्स तक है, अपॉइंट किया जाता है। 5 फुल टाइम मेंबर्स, दे आर अपॉइंटेड फॉर 5 इयर्स एंड मैक्सिमम एज 62 इयर्स। एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स जो है वो नॉट मोर देन 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इन सभी मेंबर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरडाई, कि इरडाई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इरडाई इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। जो पॉलिसी होल्डर्स है, जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इरडाई का ऑब्जेक्टिव है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, देखना कि उनके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या किसी तरह के उनसे जो ज़्यादा प्रीमियम चार्जेस चार्ज तो नहीं कर रही कंपनीज। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स एंड टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इरडाई का कि जो जो भी पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम्स है वो टाइम पे जो है उनको उनकी सेटलमेंट हो जाए, एंड टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस, और उनको किसी भी तरह के जो फ्रॉड है या माल प्रैक्टिसेस है, कोई इलीगल एक्टिविटीज है, उससे पॉलिसी होल्डर्स को बचाना, प्रिवेंट करना। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट, रेगुलेट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इरडाई का ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना, रेगुलेट करना, और उसकी ग्रोथ जो है उसको इंश्योर करना। इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट है वो इस समय 4.2% है, जो कि काफ़ी कम है। इसका मतलब है कि इंडिया में काफ़ी कम लोग जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। तो इरडाई का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से इंश्योरेंस जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो ले। देन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी लाना, और जो पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस है उनमें स्टैंडर्डाइज लाना। सो ये जो है इरडाई के ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरडाई के पावर्स एंड फंक्शंस। क्या इसके पास पावर्स है, क्या फंक्शंस है इरडाई के। सो फर्स्ट वन इज़ प्रमोटिंग द एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ
इंश्योरेंस बिजनेस, कि जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी को प्रमोट करना. देन सेकंड वन इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन इंडिया. इंडिया में जो पॉलिसी होल्डर्स है, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. अनदर इज प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू द इंश्योरेंस बिजनेस. जो ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंश्योरेंस बिजनेस के साथ रिलेटेड है, उनको भी प्रमोट करना, उनको भी रेगुलेट करना. देन नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग द प्रीमियम रेट्स एंड टर्म्स. जो भी प्रीमियम रेट फिक्स किए जाते हैं और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है पॉलिसी होल्डर्स को, पर उनको भी रेगुलेट करना. देन रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनीज को जो भी अमाउंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि दूसरी जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करती है. तो इस तरह की जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, उन इन्वेस्टमेंट्स को भी जो इडाई है वो रेगुलेट करता है. देन रेगुलेटिंग द सॉल्वेंसी मार्जिन्स. इडाई ये देखता है, इंश्योर करता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सॉल्वेंट रहे. सॉल्वेंसी मार्जिन्स मतलब कि द अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स द कंपनीज हैज आफ्टर पेइंग ऑफ इट्स डेट्स. तो जो कंपनी के पास मनी या एसेट्स होती है डेट्स पे करने के बाद, उसको सॉल्वेंसी मार्जिन कहा जाता है. और इडाई इंश्योर करता है कि कंपनीज जो है वो 150% सॉल्वेंसी मार्जिन जो है वो मेंटेन करके रखे. देन लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस एज पर द एक्ट. इडाई इंश्योर करता है कि जो भी फीस या चार्जेस लेवी किए जा रहे हैं वो एज पर द एक्ट किए जा रहे हैं. देन इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द इंश्योरर. किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है. तो जो इडाई है वो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू करता है. बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती. देन कॉलिंग आउट फॉर इंफॉर्मेशन. इडाई किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता है. देन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेट्स एंड कंडीशंस एक्सेट्रा. तो इडाई जो है वो जो भी रेट्स है कंडीशंस है उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है. देन स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड एजेंट्स. जो भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं या जो एजेंट्स इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरह की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनके लिए रिक्वायर्ड है, ये सब जो है ये इडाई स्पेसिफाई करता है. इडाई स्पेसिफाई करता है कि इस तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जो है इन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है. बिना क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग के ये लोग एजेंट या इंटरमीडियरीज का रोल जो है वो नहीं प्ले कर सकते. देन नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स एंड एजेंट्स. जो भी सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स हैं या एजेंट्स हैं, उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा वो भी इडाई जो है वो स्पेसिफाई करता है. देन स्पेसिफाई द फॉर्म एंड मैनर बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन. किस तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इंश्योरेंस कंपनी है मेंटेन करेगी, ये इडाई ही स्पेसिफाई करता है, इडाई ही इसको बताता है. देन सुपरवाइजिंग द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी. जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी होती है उसको भी इडाई जो है वो सुपरवाइज करता है. देन एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंश्योरर्स एंड इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज. अगर इंश्योरेंस कंपनी और इंटरमीडियरीज या फिर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है, तो इन डिस्प्यूट को इडाई जो है वो सेटल करता है. तो वो एज ए जो है जज जो है वो एक्ट करता है और कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होती हैं तो उनको सेटल करता है. देन एक्सरसाइजिंग सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. इसके अलावा जो भी उसको पावर्स प्रिस्क्राइब की गई है वो उनको एक्सरसाइज करता है. सो ये थे इडाईज के फंक्शंस एंड पावर्स. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटेड बाय इडाई. तो इडाई जो है वो लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है दोनों को रेगुलेट करता है. तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आ जाते हैं आपके टर्म प्लान्स, एंडोमेंट पॉलिसीज, लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, रिटायरमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज. तो ये इन सबको जो है वो ये जो इडाई है वो रेगुलेट करता है. इसके अलावा नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आ जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, व्हीकल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज, गैजेट इंश्योरेंस पॉलिसीज. सो इनको जो है इनको भी इडाई जो है वो रेगुलेट करता है.
So learners, this is all about this session. I hope कि आपको UDAIC के बारे में क्लियर हो गया होगा कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, किस एक्ट के अंदर ये आती है, क्या इसकी पावर्स, क्या फंक्शंस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है. तो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.